हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू स्टोरी मिनी मैराथन के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी की कहानी और उसकी ट्रू स्टोरी के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं दोहरा दूं कि ट्रू स्टोरी मिनी मैराथन एक ऐसी सीरीज है जहां हम रोज अपने व्यूअर्स को उन हॉरर मूवीज की कहानी एक्सप्लेन करेंगे जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इतना ही नहीं, मूवी एक्सप्लेनेशन के दौरान हम अपने व्यूअर्स को उस मूवी की रियल इंसिडेंट से भी रूबरू कराएंगे। ये सिलसिला चलेगा 17th ऑफ सितंबर से लेकर 21st ऑफ सितंबर, जहां आप हॉन्टिंग ट्यूबर्स को हर रोज एक मूवी और उसकी ट्रू स्टोरी की एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगी। सो नाउ दैट इट्स क्लियर, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, एमिली रोज मूवी एक अमेरिकन फिल्म है जो कि सन 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्कॉट डायरेक्शन ने, और ये फिल्म एनिलीज मिशेल नाम की लड़की की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 44% फ्रेश। तो इससे पहले मैं आपको एनिलीज मिशेल की ट्रू स्टोरी के बारे में बताऊं, मैं आपको एमिली रोज मूवी की पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम रोज परिवार को उनके घर में देखते हैं, जहां हर कोई एकदम उदास बैठा था, मानो वहां किसी का निधन हुआ हो। इस परिवार के साथ वहां चर्च से फादर रिचर्ड मूर भी थे और एक पुलिस ऑफिशियल उन्हें गिरफ्तार करने इस घर में आए थे। सीन को देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि रोज परिवार की बेटी एमिली रोज की मौत हो गई है, और लोग एमिली के मौत का जिम्मेदार फादर मूर को मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने एमिली रोज पर एग्जॉर्सिज्म किया था। अगली सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को बात करते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि फादर मोर ने यह एडमिट किया है कि एग्जॉर्सिज्म का आइडिया केवल उनका था और वो अकेले ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ हम लॉयर्स की एक पार्टी देखते हैं, जहां हम व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इरिन ब्रूनर नाम की औरत से, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वकील थी। हाल में ही उन्होंने वैन हूपर केस जीता था जो कि मीडिया में काफ़ी प्रचलित हुई थी, और इसीलिए एरिन के सीनियर उसे ये एग्जॉर्सिज्म वाला केस को फादर मूर के साइड से लड़ने बोलते हैं। इनिशियली तो एरिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट देन उन्हें प्रपोजल मिलता है कि अगर वो केस जीत जाती हैं तो उन्हें इस लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर बना दिया जाएगा। इन शॉर्ट, एक बड़ी प्रमोशन मिलेगी। तो इसके बाद एरिन मिलने जाती है फादर मूर से, जो कि फिलहाल लॉक्ड थे, और इस मुलाकात के दौरान हमें पता चलता है कि फादर को किसी तरह एमिली रोज की सच्ची कहानी दुनिया तक पहुंचानी है और एरिन को किसी तरह ये केस जीतना है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने अपने टर्म्स पे अग्री कर जाते हैं। तो इसके बाद एरिन ब्रूनर एमिली रोज की माँ से मिलती है, और वहाँ उसे पता चलता है कि एमिली को हाल में ही एक स्कॉलरशिप मिली थी जिससे वो शहर जाकर एक यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई कर सकती थी। एमिली बहुत ही नेक दिल लड़की थी और उसे जानवरों तक से इतना प्यार था कि वो अक्सर रोड पे पड़े लावारिश बिल्लियों को अपने घर ले आया करती थी। शी वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड अ हैप्पी गर्ल। तो इसके बाद हम इरिन ब्रूनर को ईथन थॉमस नाम के लॉयर से मिलते देखते हैं, जो कि उनके अगेंस्ट इस केस में खड़े होने वाले थे। वो एरिन को धमका के जाते हैं कि अगर एरिन के क्लाइंट फादर मूर खुद से अपनी गुनाह कबूल नहीं करेंगे तो वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। इसके बाद उस रात जब एरिन अपने घर पे सो रही थी, तो हम व्यूज देख पाते हैं कि उसकी घड़ी ठीक 3 बजे अपने आप ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे शुरू होती है एमिली रोज की केस, और यहाँ से मूवी हमेशा हमें कोर्ट रूम ड्रामा और फ्लैशबैक में जाती दिखती है। इसलिए मैं आप सभी को ज़्यादा बातें एमिली रोज की मूवी में दिखाई गई स्टोरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आई नो आप लोग कोर्ट रूम ड्रामा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ऑल दो इस मूवी की कोर्ट रूम ड्रामा इज़ जस्ट फैंटास्टिक। सो हम व्यूअर्स ईथन थॉमस को कोर्ट में एक विटनेस बुलाते देखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर वोगल था। डॉक्टर वोगल ने रोज परिवार के हर एक लड़कियों का बचपन से ख्याल रखा था, और वो बताती हैं कि एमिली को म्यूजिक और स्टडीज़ में काफ़ी रुचि थी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद एमिली ने डॉक्टर वोगल को एक खत लिखा था, जिसमें एमिली ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड जेसन के बारे में बताया था।
इतना ही नहीं, एक रात 4 बजे एमिली की माँ ने डॉक्टर वोगल को यूनिवर्सिटी के पास वाले फ़ोन बूथ पे कॉल करने को कहा। और जब डॉक्टर वोगल ने कॉल लगाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ एमिली के रोने की आवाज़ आ रही थी। एमिली बताती है कि इस वीकेंड वो हॉस्टल में अकेली थी जब रात के 3 बजे उसकी नींद अपने आप ही खुली। वहाँ हॉस्टल में उसे कुछ असाधारण घटनाएं देखने को मिली, जैसे दरवाज़ा अपने आप ही खुलना, पेन स्टैंड का अपने आप ही हिलकर गिर जाना इत्यादि। इसके बाद जब एमिली बेड पे सोने गई तो उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रही है और उसकी बेड अपने आप ही अंदर धंस रही थी। फिर अचानक एकदम से एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल एंड एमिली इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नाउ कोर्ट रूम में आते हैं डॉक्टर म्यूलर, जिन्होंने इस घटना के बाद एमिली की ट्रीटमेंट शुरू करी थी। डॉक्टर म्यूलर का कहना था कि इमली को शायद एपिलेप्सी नाम की बीमारी है, जिसके कारण उसके शरीर के मसल्स में ऐसे चेंजेस आ रहे थे। और इनफैक्ट डॉक्टर म्यूलर ने इमली का मेडिकेशन भी शुरू किया था, लेकिन फादर रिचर्ड मूर ने इमली को कन्विंस कर दिया कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है, जिसकी वजह से इमली ने दवा लेना बंद कर दिया। जो दवा एमिली को दी जा रही थी उसका नाम था गैम्ब्यूट्रोल, और डॉक्टर म्यूलर के हिसाब से गैम्ब्यूट्रोल ना लेने की वजह से ही एमिली की मौत हुई और फादर रिचर्ड मूर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उस डे की हियरिंग खत्म होती है और उसी रात हम एरिन को वापस फादर मूर से उनके सेल में मिलते देखते हैं। फादर एरिन को वार्न करते हैं कि कई शैतानी शक्तियां उस पर हमला करने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि वो फादर को सपोर्ट कर रही है। लेकिन एरिन इन बातों पर ध्यान ना देते हुए फादर को एमिली की पूरी कहानी बताने को बोलती है। फादर मूर बताते हैं कि पहले इंसिडेंट के बाद एमिली को यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां एमिली को बादल की गरजती बिजलियों में शैतान का चेहरा दिख रहा था। एमिली अपने बॉयफ्रेंड जेसन को बताती है कि हॉस्टल के अंदर उसने अपने आप को किसी तरह इन शैतानी शक्तियों से बचाया था, लेकिन हॉस्पिटल में ये डीमंस उसके शरीर को फाइनली अपने कब्जे में करने लग गए थे। इस घटना के बाद एमिली की हालत और भी बिगड़ती चली गई थी और उसे हर जगह बस डीमंस ही दिख रहे थे। एमिली भागते हुए चर्च के अंदर जाती है और वहाँ हम उसे एकदम अजीब तरह से अपने शरीर को मोड़ते हुए देखते हैं। जब एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन उसके पीछे जाता है तो वो उसे डिमोनिक आवाज़ में चिल्ला के बोलती है, डोंट टच मी, अर्थात मुझे मत छुओ। इसके ठीक बाद एमिली एकदम से रोते हुए जेसन को उसकी मदद करने बोलती है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम रात के ठीक 3 बजे एरिन के घर में वापस कुछ असाधारण गतिविधियां होते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, कोई अज्ञात शक्ति फादर रिचर्ड मूर को भी उनके सेल में डराने की कोशिश करती है। एनीवेज, नेक्स्ट डे की कोर्ट हियरिंग शुरू होती है और एरिन वॉज 17 मिनट्स लेट टू द कोर्ट रूम, क्योंकि उसकी पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। फादर मूर मान रहे थे कि शैतानी शक्तियाँ एरिन पर अटैक कर रही है और उसे खुद को इससे बचाना होगा। तो कोर्ट में ईथन थॉमस नए विटनेस डॉक्टर ब्रिग्स को बुलाता है, जिनका मानना था कि एमिली एपिलेप्टिक और साइकोटिक थी, जिसकी वजह से उसने खुद के शरीर को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था एंड इनफैक्ट वो खाना तक खाना बंद कर दी थी, एंड दैट इज़ द केस कि वो मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि एमिली की मौत माल न्यूट्रिशन और हैवी बॉडी इंजरीज की वजह से हुई थी। दिस डिजीज इज़ नोन एज साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर, जिसमें विक्टिम ऐसी अजीब बर्ताव करता है और विक्टिम्स के प्यूपिल डायलेट होते हैं, जिनसे उनकी आंख एकदम काली दिखती है। इन डॉक्टर्स के मेडिकल आर्ग्यूमेंट की वजह से ये केस एरिन ब्रूनर और फादर मूर के हाथ से निकलती दिख रही थी। तो नेक्स्ट डे की हियरिंग में हम एमिली के बॉयफ्रेंड जेसन को देखते हैं, जो बताता है कि एमिली को भूख लगती थी लेकिन उसके अंदर के डीमंस उसे खाने नहीं दे रहे थे। जेसन हमेशा एमिली के साथ ही रहता था और एक रात जब उसकी नींद खुली तो एमिली उसके बगल में नहीं थी, इंस्टेड वो जमीन पे अजीब से पोस्चर में गिरी पड़ी थी। जब जेसन उसके करीब गया तो वो एकदम जोर से चिल्लाए, जिसके परिणाम अनुसार जेसन एमिली को उसके होम टाउन ले गया। घर पहुंचकर एमिली के पिता ने फादर मूर को बुलवाया था और जब एमिली की छोटी बहन एलिस एमिली को उसके कमरे में बुलाने गई तो वो देखती है कि एमिली कीड़े मकोड़े खा रही थी एंड एलिस के वहाँ आते ही शी शाउटेड एट टॉप ऑफ अ वॉइस। एमिली अपने नाखून से पूरी दीवार की पेंट नोच डाली थी एंड शी वॉज हर्टिंग हरसेल्फ। फादर के आने पर एमिली उनसे कुछ अजीब से लैंग्वेज में बातें करती है एंड फाइनली वो बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद एमिली के पिता ने फादर मूर को अपनी बेटी एमिली को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी।
तो इसके बाद कोर्ट रूम में इरिन बुलाती हैं डॉक्टर अडानी को, जो कि स्पिरिचुअल और साइंटिफिक चीज़ों को स्टडी करती थी। डॉक्टर अडानी के हिसाब से एग्जॉसिज्म के वक्त ह्यूमन ब्रेन को एक साइको स्पिरिचुअल शॉक लगता है, जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है। पोजेशन इज साइंटिफिकली प्रूव्ड और एमिली ही पोजेशन का शिकार इसीलिए बनी क्योंकि वो एक हाइपर सेंसिटिव लड़की थी। हाइपर सेंसिटिव लोग कई ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो हम आम इंसान नहीं देख सकते, जैसे अदर रियलिटी, नियर फ्यूचर, इंटू द डेड इत्यादि। अब चूंकि एमिली गैम्ब्यूट्रोल दवा ले रही थी, उसे एग्जॉसिज्म के वक्त साइको स्पिरिचुअल शॉक लग ही नहीं पाया, बिकॉज ये दवा इंसानी शरीर को पजेस स्टेट में लॉक कर देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डॉक्टर अडानी मान रहे थे कि एमिली की एग्जॉसिज्म फेल इसीलिए हुई क्योंकि उसने गैम्ब्यूट्रोल दवा खा रखी थी। नाउ दोस्तों, यहाँ पे इस केस में एक ट्विस्ट आती है जब हमें पता चलता है कि एग्जॉसिज्म के दौरान वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम ग्राहम कार्टराइट था। जी हाँ दोस्तों, एरिन तुरंत ही फादर मोर से पूछती है कि उन्होंने एग्जॉसिज्म के वक्त एक डॉक्टर के होने की बात उसे क्यों नहीं बताई। तो इस पे फादर बोलते हैं कि कार्टराइट ने अपने इन्वॉल्वमेंट को गुप्त रखने बोला था, एंड इवन इफ फादर खुद सजा काट लेते, वो डॉक्टर ग्राहम कार्टराइट को इस केस में घसीटना नहीं चाहते थे। एरिन को इस डॉक्टर कार्टराइट के इन्वॉल्वमेंट का पता चला क्योंकि कार्टराइट अब खुद अपनी मर्जी से इस केस की एक विटनेस बनना चाह रहे थे। सो एरिन तुरंत ही डॉक्टर कार्टराइट से मिलती है और वो बताते हैं कि फादर मूर ने उन्हें एमिली की मेडिकल जांच पड़ताल के लिए एग्जॉसिज्म से पहले बुलाया था। कार्टराइट का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको एपिलेप्सी जैसी बीमारी होती है, लेकिन उनमें से किसी भी पेशेंट से वो डरे नहीं थे। लेकिन आफ्टर सीइंग एमिली रोज, वो इतना ज्यादा डर गए कि अब वो रोज गॉड को प्रे करने लगे हैं। उनके हिसाब से एमिली बीमार नहीं थी, बल्कि शी वॉज पजेस्ड। डॉक्टर एरिन को एक टेप देते हैं और वो कोर्ट में ये सारी बातें बोलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नाउ ठीक उसी रात 3 बजे हम एरिन को वापस उठते देखते हैं और वो टेप अपने आप ही बज रहा था, जिसके अंदर से एमिली के एग्जॉसिज्म की रिकॉर्डेड आवाज़ें आ रही थी। तो नेक्स्ट डे कटघरे में फादर मोर थे और वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं। फादर के हिसाब से रात के 3 बजे का वक्त डिमोनिक आर है और एग्जॉसिज्म से एक दिन पहले फादर की नींद रात के 3 बजे खुली थी। उन्हें किसी चीज़ के जलने की बदबू आई और ठीक ऐसी ही जलने की बदबू एमिली रोज को भी अपने पहले इंसिडेंट के दौरान आई थी। फादर को वहाँ होली फोटोज से खून निकलती दिखी और उन्हें वहाँ एक काले पोशाक में अनजान आकृति भी दिखती है। फादर का मानना था कि वो अनजान आकृति एक डीमन था। कोर्ट रूम में डॉक्टर कार्टराइट द्वारा दिया गया टेप भी एक एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है और फादर मोर उस टेप को प्ले करते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें देखने को मिलता है एग्जॉसिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि 31 अक्टूबर की रात करी गई थी, एंड ड्रामेटिकली 31 अक्टूबर इज हैलोवीन डे। तो एग्जॉसिज्म के दौरान वहाँ फादर मोर के अलावा डॉक्टर कार्टराइट थे, एमिली के पिता नाथन नील थे, एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन और एमिली रोज मौजूद थे। एमिली के पिता उसे बेड से बांध देते हैं और फिर एग्जॉसिज्म की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रक्रिया शुरू होते ही वहाँ टंगा क्रॉस उल्टा हो जाता है और हम एमिली को एकदम वॉयलेंट होकर सब पे अटैक करते हुए देख पाते हैं। फादर एमिली से उसके अंदर बैठे डीमन का नाम पूछते हैं और वो कुछ अजीब से लैंग्वेज में बातें कर रही थी। फिर अचानक एमिली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रिपीट करने लगती है, जिससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि उसके शरीर में 6 डीमन्स हैं। घर की बिल्लियाँ फादर मोर पे अटैक करती हैं और मौका देखकर एमिली रूम से बाहर कूदते हुए घर के गैराज की तरफ बढ़ती है। सभी लोग एमिली का पीछा करते हुए गैराज में जाते हैं और वहाँ हमें बहुत ही डरावनी सीन देखने को मिलती है, जहाँ एमिली अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उसकी हार्ट बीट 180 बीट्स पर मिनट पे चल रही थी और फादर मोर पे हम एक सांप को अटैक करते हुए भी देखते हैं। बाहर बारिश एकदम तेज थी और जोरों की तूफान भी चल रही थी, जिससे ये पूरा दृश्य बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। फादर वापस से इस ईविल स्पिरिट का नाम पूछते हैं और एमिली अजीब से ड्यूअल वॉइस में बोलती है कि वी आर द वंस हु ड्वेल विदिन। फिर वो बताती है इन डीमंस का नाम, एंड दे वेयर केन, नीरो, जूडास, इस्कैरियोट, बेलियल एंड लूसिफर हिमसेल्फ। इसके बाद एमिली एकदम से बेहोश हो जाती है और फादर को वापस से वो डिमोनिक डार्क फिगर दिखती है। अब दोस्तों, ये 6 डीमंस कौन है, इसकी डिटेल्स मैं किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस फिल्म के आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो इस घटना के बाद एमिली ठीक नहीं हुई थी बिकॉज ये एग्जॉसिज्म फेल हो गया था और अब एमिली दीवालों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करती थी, जिससे उसके कई दांत टूट गए थे। वो खुद को ही चोट पहुँचाती थी एंड शी वॉज अंडर इमेंस पेन।
नाउ बैक टू कोर्ट रूम। इस प्रूफ के सामने आने के बाद फादर मोर का पलड़ा भारी था, लेकिन ईथन थॉमस प्रूफ्स दिखाते हैं कि एमिली लैटिन और हिब्रू लैंग्वेज बोल पा रही थी बिकॉज उसने बचपन में ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख रखा था। और जहां तक बात है ड्यूअल वॉइसेस की, तो हर एक इंसान के गले में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और कुछ लोग साइकोटिक स्टेट में अपने दूसरे वोकल कॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। इन शॉर्ट, ईथन थॉमस वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि एमिली वॉज इल and not possessed। अब दोस्तों उस दिन डॉक्टर कार्टराइट कोर्ट रूम नहीं आते हैं और जब एरिन उनसे मिलने जाती है तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ दिखता है और भागते हुए उनकी एक कार से टक्कर होकर मौत हो जाती है। दिस केस वॉज टेकिंग सम अनएक्सपेक्टेड इविल टर्न्स और एरिन के बॉस को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो एरिन को फायर तक करने की धमकी देते हैं। तो नेक्स्ट डे कोर्ट में फादर मूड एमिली के द्वारा लिखे हुए लेटर को पढ़ते हैं जो एमिली ने एग्जॉर्सिज्म के अगले दिन लिखा था। इस लेटर में एमिली लिखी थी कि एग्जॉर्सिज्म के बाद भी डीमंस ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा है। वो कई घंटों सोई थी एंड फाइनली उसे किसी की आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ थी वर्जिन मेरी की, जिसे एमिली अपने घर के सामने वाले फील्ड में मिलती है। मेरी एमिली से बोलती हैं कि वो अपने शरीर को छोड़कर उनके साथ स्पिरिचुअल फॉर्म में स्वर्ग आ सकती है, बट एमिली चोज टू स्टे इन हर बॉडी। एमिली अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुकी थी और इसीलिए वो फादर मोर को आगे कोई और एग्जॉर्सिज्म करने से मना करती है। एमिली के हाथ और पैर में घाव के निशान आ गए थे, जिसे हम स्टिग्माटा कहते हैं। स्टिग्माटा घाव है जीसस क्राइस्ट का, जब उन्हें सूली पे चढ़ाकर हाथ पैर में कील ठोका गया था। अगर भगवान किसी इंसान को टच करते हैं तो उस इंसान को हाथ और पांव में वही कील ठुकने वाली घाव मिलती है, विच इज द साइन कि एमिली वॉज टच्ड बाय द गॉड। दूसरी तरफ ईथन थॉमस का कहना था कि एमिली के हाथ पैर में ये घाव इसीलिए आए क्योंकि वो घर के फेंसिंग के वायर्स को जोर से पकड़ ली थी। इस सीन के बाद दोनों वकील अपनी अपनी फाइनल पॉइंट ज्यूरी के सामने रखते हैं एंड फाइनली द ज्यूरी डिसाइड्स कि फादर रिचर्ड मोर एक गुनहगार है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बट ज्यूरी रिकमेंड करती है कि सजा होगी टाइम सर्व्ड, जो फादर हमेशा इतने दिनों से काट रहे थे। इसका मतलब ये कि फादर केस के ट्रायल के दौरान जितने दिन जेल में थे उतनी ही उनकी सजा सुनाई गई, और चूंकि वो ऑलरेडी जेल में सजा काट चुके थे वो अब बाहर एक फ्री मैन की तरह जा सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फादर मोर गुनहगार तो साबित हुए लेकिन वो इस कोर्ट रूम से एज ए फ्री मैन बाहर जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू नो पनिशमेंट। यानी एक नजरिया से इस केस में फादर और एरिन की जीत हुई। इसके बाद एरिन के बॉस उसे प्रमोट करने का प्रस्ताव रखते हैं लेकिन एरिन उसे ठुकरा देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम फादर मोर और एरिन को एमिली के ग्रेव पे फूल चढ़ाते देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी कई लोग उसके ग्रेव पे फूल डालते हैं बिकॉज पीपल बिलीव कि एमिली रोज वॉज ए सेंट। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म की पूरी कहानी, और अब मैं आप सभी को उस सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिससे ये फिल्म इंस्पायर्ड है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ वो इंटरनेट से उठाया हुआ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है और इसकी कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है कि दिस इज़ ऑल ट्रू। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे इंटरनेट पे मल्टीपल गूगल सर्च करने के बाद मिला। तो दोस्तों ये फिल्म इंस्पायर्ड है एनिलीज मिशेल के रियल लाइफ इंसिडेंट से, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उसकी बचपन एक आम बच्चे की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी और वो एक बहुत ही भावुक लड़की थी। जब वो 16 साल की हुई तो एक दिन अचानक उसे सीजर जैसा महसूस हुआ और वो जमीन पे गिर गई। डॉक्टर से दिखाने पे पता चला कि उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो गई है, जिसे हम हिंदी में मिर्गी की बीमारी कहते हैं। उस दिन के बाद एनिलीज को मिर्गी के दौरे बार बार आने लगे और इस बात से उसकी फैमिली बहुत चिंतित और परेशान थी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद एनिलीज को अपने दिमाग में कुछ अजीब से आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, जो कि उससे कुछ गंदी या डरावनी बातें कहती थी। वो आवाज़ें उसे बोलती थी कि जल्द ही वो मर जाएगी और उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी, साथ ही उसकी पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इस सब के कारण अब एनिलीज को काफ़ी डिप्रेशन हो गया था और वो शारीरिक तौर से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज वहाँ शुरू हुआ। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि उसकी हालत तो और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन एनिलीज ने खुद अपने घर वालों को बताया कि इन इलाजों से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके शरीर पर अब शैतानों का कब्जा है। ठीक उसी दिन से एनिलीज को मानो होली ऑब्जेक्ट से एलर्जी सी हो गई थी और अगर उसके सामने बाइबल, क्रॉस या होली वाटर लाया जाता था तो वो चिल्लाती थी और दूर भागने लगती थी। उसने अपने कमरों के कीड़े मकोड़े
कौए को खाना शुरू कर दिया था और कभी कभी अचानक वो जोर जोर से शैतानी आवाज में हंसने लगती थी और फिर तुरंत रोने लगती थी। जब कभी वो अपने होशो हवास में होती थी तो अपने परिवार वालों को खुद का एग्जॉर्सिज्म करवाने की गुहार लगाती थी। वो बोलती थी कि कुछ शैतानों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। एनिलीज के घर वालों ने काफी प्रीस्ट्स को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पूछा, लेकिन सब ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन दिनों बिना वैटिकन सिटी के पोप की मर्जी से एग्जॉर्सिज्म करना एक जुर्म माना जाता था और किसी भी एग्जॉर्सिज्म की अर्जी को पास होने में कई महीने लग जाते थे। कुछ दिनों बाद एनिलीज के डैड को अर्नस्ट अल्ट नाम के एक विकर मिले, जिन्होंने एनिलीज को देखते ही बोला कि यह कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में सच में शैतानों का डेरा है। अल्ट ने वैटिकन एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने एनिलीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाजत मांगी और सन 1975 के सितंबर माह में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने फादर रेंज को एनिलीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाजत दे दी। 24 सितंबर 1975 को फादर रेंज ने एनिलीज पे पहला एग्जॉर्सिज्म किया था और उस एग्जॉर्सिज्म की आवाजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एग्जॉर्सिज्म के बाद भी उन शैतानों ने एनिलीज के शरीर को नहीं छोड़ा, बल्कि उनका शिकंजा मजबूत होता गया। एक ऐसा समय आया जब एनिलीज ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और इससे उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। उसके शरीर की वजन बहुत कम हो गई थी, मानो जैसे सिर्फ हड्डी का एक ढांचा हो। माना जाता है कि एनिलीज के शरीर में 6 से भी अधिक डीमंस का कब्जा था, जिनके नाम शायद हम सभी जानते हैं, लूसीफर, केन, जूडास, नीरो, बेलियल इत्यादि। ये एग्जॉर्सिज्म पूरे 8 मंथ्स तक चली, जिसमें 67 टाइम्स इस प्रक्रिया का उपयोग हुआ, जबकि फिल्म में हमें बताया गया है कि एग्जॉर्सिज्म सिर्फ एक बार ही हुई थी। हर एक एग्जॉर्सिज्म का सेशन लगभग 4 घंटे चलता था और यह हमेशा बहुत ही भयावह और खतरनाक होता था। एग्जॉर्सिज्म का आखिरी सेशन 30th ऑफ जून 1976 में हुआ, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख को ही एनिलीज की नींद में ही मौत हो गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। डॉक्टर्स का मानना है कि एनिलीज की मौत माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई, क्योंकि उसकी वजन तकरीबन 30 किलो से भी कम हो गई थी। उसके कई दांत टूट गए थे क्योंकि वो दीवारों को चबाकर खाने की कोशिश करती थी, लेकिन आम खाना देने पे नहीं खाती थी। उसने अपने आप को ही कई जगह से काट लिया था, खुद को ही मारती पीटती थी और ऊंचाई से कूद कर खुद को चोट पहुंचाती थी। इन कारणों से उसके शरीर पे कई चोटों और कट के निशान थे और चूंकि वो खाना भी नहीं खा रही थी, ये घाव भर नहीं रहे थे। फादर रेंज का कहना था कि मरने के एक दिन पहले एनिलीज के शरीर से सारे डीमंस निकल चुके थे और इसीलिए वो चैन से आखिरी सांस ले सकी और उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एनिलीज मिशेल की मौत के बाद उसके माता पिता, फादर रेंज और एक सपोर्टिंग प्रीस्ट पे ये बोलकर केस किया गया कि उन्होंने उसे ढंग से पाला नहीं और बिना मतलब इतनी बार एग्जॉर्सिज्म किया कि वो अपनी जान गंवा बैठी। ये केस एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी और ये काफ़ी दिन तक भी चली थी। इस केस के बाद इन चारों को कई महीने की जेल तक हुई, जो बाद में सस्पेंड हुआ और 3 साल के प्रोबेशन पे रखा गया। इस घटना पे कई मूवीज़ बनी हैं, जिसमें सबसे फेमस है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लोगों का मानना है कि आज भी एनिलीज के कब्र के पास लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि कई लोग उसे एक सेंट मानने लगे हैं। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि एनिलीज को एपिलेप्सी के साथ साथ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हुआ था, जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या एनिलीज मिशेल सच में शैतानों के कब्जे में थी या फिर सिर्फ बीमार थी, इसका निष्कर्ष निकालने का काम हम आप दर्शकों पे छोड़ते हैं। तो आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा बताएं कि आपकी इन घटनाओं पे राय क्या है और आपके हिसाब से सच क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप ट्रू स्टोरी मिनी मैराथन की अगली वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।